यह होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें कैसे अरेंज किया गया, एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया गया जैसे म्यूजिकल नोट्स होता है, तो उसमें 8 नोट होता है किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही, है ना, गुजराती, मलयाली, जो भी है, कोई भी लैंग्वेज है ना, जर्मन, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में म्यूजिक में 8 नोट्स ही होता है। समझ गया, पूरी दुनिया में कहीं भी म्यूजिक उसमें 8 नोट ही होता है किसी भी लैंग्वेज में। समझ गया ना, यही यूनिफॉर्मिटी है म्यूजिक में। समझिए, तो उसी तरह से जैसे हम लोग हिंदी में सारे गामा होता है, फिर सा आता है, सारे गामा ऐसा बोलते हैं ना, फिर सा से शुरू होता है, सा पर ही एंड होता है, तो सा और सा में 8 होता है, सा और फिर सा में 8 होता है, जैसे मंडे फिर मंडे 8 होता है, संडे टू संडे 8 होता है, उसी तरह सा से सा 8 होता है। तो न्यूलैंड ने कहा जैसे म्यूजिकल नोट एवरी 8th नोट फाउंड टू बी एज द फर्स्ट वन, सा सा, रे रे, गा गा, सब 8 होता है। समझ गया ना, उसी तरह से बोले कि अगर हम एलिमेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हम अगर अरेंज कर देंगे, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, बराबर नहीं, उसका दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। समझ गया ना, तो उन्होंने क्या किया कि टेबल बनाया, टेबल कैसे बनाया, 7 कॉलम दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 8वां नीचे आएगा, ही आएगा ना, 8वां नीचे है। जैसे ये पहला एलिमेंट यहाँ वो लिथियम रखे थे, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, ठीक है, फिर उसके नीचे आ गया सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद वो लिखेज सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। अब देखो लिथियम है और सोडियम, दोनों अल्कलाइन है, दोनों का नेचर सेम है, yes. है ना, गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, दोनों एक ही जैसा है, है ना, गिनना शुरू करोगे फ्लोरीन से, देखो यहाँ 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऑक्सीजन और सल्फर का नेचर सेम है, ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8वां एलिमेंट सेम पहला के जैसा है, है ना, तो इस तरह 7 कॉलम बना दिए, तो 8वां उसके जस्ट नीचे आ जाता है, जिसका सिमिलर प्रॉपर्टी है वो जस्ट उसी के नीचे आएगा, लिथियम के नीचे सोडियम आया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आया, दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बोरोन और एल्युमिनियम एंड पॉटरी के नेचर में, है ना, दोनों सेम जगह आया कि नहीं, कार्बन सिलिकॉन एक जैसा है, एक ही ग्रुप में आ गया, यहाँ से गिनोगे तो यहाँ 8 होगा, समझ में आया। तो इस तरीके से वो कैल्शियम तक अरेंज कर पाए, यहाँ तक उनका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, वो ओरिजिनली यहीं तक बने हुए थे, उनके समय में इतना अवेलेबल था और वो अरेंज करके रख दिए इतना, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के बाद जो नया एलिमेंट आया वो अरेंज नहीं हो पाया इस तरीके से ऑक्टेव रूप से, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, समझ गए। अब इसका एडवांटेज क्या, इसका एडवांटेज यह था कि डोगर ने स्ट्राइड इसमें आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इधर जब इसको लिखेंगे इधर भी आ जाएगा, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, समझ गए। एडवांटेज इसका यही था कि डोगर ने स्ट्राइड को इसमें एकोमोडेशन मिल गया, डिसएडवांटेज ये हो गया कि कैल्शियम के बाद जो आया नया एलिमेंट्स वो सबको इसमें हम अरेंज नहीं कर पाए,
जिस रूल से ये टेबल बना था उस रूल को फॉलो करते हुए इसको हम अरेंज नहीं कर पाए, न्यू एलिमेंट्स को जगह इस पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला, ठीक है ना, इसलिए ये भी अरेंजमेंट बाद में रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत सारा अरेंजमेंट आया, लेकिन जो बाद में एक्सेप्ट किया गया वो है मेंडेलीव। आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसका बेसिक आइडिया वहीं से, और टेबल का बेसिक आइडिया यहाँ से। इसके पहले जितना भी अरेंजमेंट था उसमें कोई टेबल है सीधा बैठो, उसमें कोई टेबल नहीं था, ठीक है ना, हाँ उसमें कोई टेबल नहीं था। टेबल का आइडिया कौन दिया? न्यूलैंड, न्यूलैंड ने आइडिया दिया टेबल का, ठीक है, और इस टेबल को और अच्छा से बनाए मेंडेलीव, और फिर मेंडेलीव को इम्प्रूव करके हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए। तो अब हम लोग जो है मेंडेलीव का पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एक पीरियोडिक लॉ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है, जैसे न्यूलैंड में देखिए रिपीट हुआ, हर आठवां एलिमेंट पहले के समान था, है ना, तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं, उसी को पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। जनवरी जो आएगा 12 महीने के बाद जनवरी आएगा ना, वो पीरियोडिक हुआ, फिक्स है ना। संडे, फिर संडे कब आएगा? आठवां दिन, तो पीरियोडिक है, 7 दिन के बाद आठवां दिन वही डे आएगा, मंडे है तो मंडे आएगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे आएगा, 7 दिन के बाद आएगा कि नहीं, तो वो पीरियोडिक हुआ, जो सेम एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जब किसी चीज़ का रिपीटेशन होता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है, हा? और फिनोमिनन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ये जो फिनोमिनन होता है रिपीटेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज करेंगे एक पर्टिकुलर टेबल, जो टेबल कौन बनाया है? मेंडेलीव टेबल बनाया है, उस टेबल का बात हो रहा है। उस टेबल में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो कहते हैं कि सर्टेन इंटरवल के बाद सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होता है, ठीक है, सर्टेन गैप के बाद सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉट मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो दो चीज, दो क्राइटेरिया है, एक है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और दूसरा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह से अरेंज करते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एक वर्टिकल कॉलम में है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कॉलम में आएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम कॉलम में आएगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कॉलम में आएगा, इस तरह से हम अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, क्योंकि उनके समय में मालूम था कि सारे एटम और एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते थे, जो बाद में गलत हो गया, ठीक है, आया बात समझ में। तो अब प्रॉपर्टी कैसे सेम होगा ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी कब सेम होता है किसी चीज़ का? जब उसका बैलेंस ही सेम होता है। किसी भी एलिमेंट का जब बैलेंस ही सेम होता है तो उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, यानी अगर हम बैलेंसी के बारे में, उनके समय में बैलेंसी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, मेंडेलीव के समय में बैलेंसी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, ठीक है। और बैलेंसी का कॉन्सेप्ट में जो बताया गया था, बैलेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे निकाला गया था, जो भी कंपाउंड था उनके समय में वो या तो ऑक्साइड था या हाइड्राइड, उनके समय में जितना भी कंपाउंड अवेलेबल था वो सारे के सारे क्या था? हाइड्राइड। हाइड्राइड, हाइड्राइड का कैसे डिनोट करते हैं? H-। दूसरा क्या था उनके समय में? ऑक्साइड था, तो उसको डिनोट करते हैं O2-। तो उसमें ज़्यादातर एलिमेंट जो अवेलेबल था वो हाइड्राइड और ऑक्साइड के थ्रू, अगर किसी का ऑक्साइड मिल गया तो वैलेंसी उसका 2 मिल जाता है, किसी का हाइड्राइड मिल गया तो उसका बैलेंसी 1 मिल गया, ऐसे करके, जैसे कि मिला NaH सोडियम हाइड्राइड,
सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1, तो इसके हिसाब से सोडियम का वैलेंसी 1 हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है। अब देखो सोडियम ऑक्साइड भी मिला, इससे भी वैलेंसी सोडियम का 1 ही आएगा, क्योंकि इस पर -2 है तो इस पर +2 होगा कि नहीं, इस पर -1 है तो इस पर +1, अब इस पर -2 है तो इस पर +2 होगा, तभी ना 0 होगा, क्योंकि सारा कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो -2 है तो +2, अब ये -2 अकेले एक ऑक्सीजन पर है और ये +2 दो सोडियम पर है, तो एक सोडियम पर +1 होगा, तो यहाँ भी सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया 1। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसी निकालते हैं, ठीक है, और डिस्कस करेंगे दूसरे दिन। तो इस तरह से जो बैलेंसी वो निकाल रहे, तो उनके समय में 8 तरह का बैलेंसी होगा, उनके समय में बैलेंसी का कॉन्सेप्ट 1 से लेकर के 8 था, इसलिए उन्होंने जो टेबल बनाया ना 8 कॉलम का टेबल, एक बैलेंसी के लिए 8 ग्रुप 1 है ना, बैलेंसी 2 है तो उसके लिए ग्रुप 2, बैलेंसी 3 है तो ग्रुप 3, इसी तरह से अगर बैलेंसी 8 है तो उसको ग्रुप 8 बना दिया, तो इस तरह करके 8 कॉलम बना दिए हर बैलेंसी के लिए एक एक कॉलम, क्योंकि ये मालूम था कि बैलेंसी अगर सेम होता है तो उसका प्रॉपर्टी सेम होता है। उसको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना शुरू कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये ध्यान रखते गए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो बैलेंसी को देखते हुए जाएंगे, अगर हम बढ़ रहे हैं लेकिन बैलेंसी सेम नहीं मिल रहा है हम वहाँ नहीं रखेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, जहाँ उसका बैलेंसी सेम मिलेगा उसी जगह रखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और दूसरा चीज़ बैलेंसी देखें, दोनों को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े, और इस तरीके से वो टेबल बन गया, ठीक है, और कल डिटेल में डिस्कस करेंगे।